और चलिए अब बात करेंगे बड़ी खबर की। और बड़ी खबर आपको हम बता दें जहां पर उत्तर प्रदेश में बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे मदरसों को 3 दिन के लिए अंदर जरूरी कागजात पेश करने का 10,000 रूपये प्रतिदिन का जुर्माना भरने को कहा गया है। मदरसों को जारी नोटिस में कहा गया है कि वो फौरन बंद नहीं हुए तो उन्हें जुर्माना भरना होगा, जिसकी कीमत उन्हें प्रतिदिन 10,000 रूपये चुकानी होगी। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अब ऐसे में जुर्माना उत्तर प्रदेश में कथित तौर पर अवैध रूप से चल रहे मदरसों को लेकर सख्ती बरती जा रही है। इसी क्रम में मुजफ्फरनगर के करीब एक दर्जन मदरसों को जिला प्रशासन से एक नोटिस मिला है। इस नोटिस में मदरसों से कहा गया है कि अगर उन्हें मान्यता मिली हुई है तो वो इससे संबंधित अभिलेख प्रशासन को 3 दिन के अंदर उपलब्ध कराए। ऐसा नहीं करने वाले मदरसों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहुत से मदरसे हैं नहीं कोऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि ये निजी स्वार्थ के लिए अपना काम करते हैं। इनको बच्चों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। और इसी बात को लेकर जांच कराई थी आदरणीय योगी सरकार ने, और उसमें बहुत सारे मदरसे ऐसे थे जो अस्तित्व में ही नहीं थे और पेपर पे चलते थे। वही चीज आज फिर हो रही है। इससे हम बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। माननीय प्रधानमंत्री का जो संकल्प है, एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार चाहती है कि इनको हम मुख्य धारा से जोड़े, ये डॉक्टर इंजीनियर आईएएस आईपीएस बने, मदरसों से पढ़कर निकले, अच्छा भविष्य बने इनका। लेकिन इनके जो प्रबंधन कमेटियां हैं वो कोऑपरेट नहीं कर रही। नोटिस के मुताबिक अगर मदरसा गैर मान्यता मान लिया गया है तो आरटीआई एक्ट के प्रावधानों के हिसाब से जुर्माना वसूल किया जाएगा। ऐसे में गैर मान्यता प्राप्त मदरसे अगर पाए गए तो उनसे 10,000 रूपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना वसूल किया जाएगा। ये नोटिस मिलने के बाद मदरसा संचालकों में हड़कंप मच गया है। इसी को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने मदरसों को नोटिस जारी किए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पहले मदरसों को सर्वे के नाम पर, फिर विदेशी फंडिंग के नाम पर डराया गया और अब नोटिस देकर हड़काया जा रहा है। उत्तर प्रदेश ने कई जिलों में मदरसों को नोटिस जारी किया है और उसमें नोटिस में कहा है कि अगर आपके पास मान्यता नहीं है और चलाया मदरसे को चालू रखा तो 10,000 रूपया जुर्माना लगा दिया जाएगा, और वो भी प्रतिदिन। ये सीधे सीधे तौर पर मदरसे को बंद करने का एक प्लान है। पहले सर्वे के नाम पर, उसके बाद टेरर फंडिंग के नाम पर डराया धमकाया गया, और अब सीधे सीधे तौर पर नोटिस भेज करके मदरसे के मोहतमिम और मौलाना लोगों को